गुड मॉर्निंग माई शुगर प्लम्स, माई कुकी केक, माई हनी मेलन ड्यूज। अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मैम, ये सब क्या था? तो ये था बेटा बचुआ, मुनुआ, लल्ला। तो जब अंग्रेज़ी में माएँ ये सब बोलती होंगी तो वो लोग क्या बोलती होंगी? वो यही बोलती हैं, शुगर केक, प्लम कुकी, हनी मेलन ड्यू। और यहाँ हमारी माएँ कैसे कहती? मोर बच्चा, मोर लल्ला, मोर लल्ना, मोर बचुआ, इज़न्ट इट? अब आप बताइएगा कि आपको ज़्यादा अच्छा क्या लगा था, वो माई शुगर कुकी प्लम केक या फिर मोर बचुआ? चलो भाई, तो आज होना है हम लोगों का नाउन स्टार्ट। तो नाउन में, क्योंकि अब बिल्कुल आज से एकदम बेसिक से मॉडल टेस्ट पेपर में आप लोगों ने ये चीज़ें देख ली थी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमें नाउन्स पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में नाउन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हमें प्रोनाउन पता होना चाहिए क्योंकि अगेन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इससे रिलेट करके आएगा। तो हमें नाउन पढ़ना है, हमें प्रोनाउन पढ़ना है, हमें वर्ब्स एंड मोडल्स पूरे अच्छे से आने चाहिए, टेंसेस आने चाहिए। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडजेक्टिव, एडवर्ब और मेन प्रेपोजिशन कंजंक्शन का यूसेज करेंगे। इसके बाद हम लोग करेंगे अपने टेंसेस। टेंसेस के बाद में ही हम लोग अपने डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव को पिक करेंगे। तो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम लोगों की पूरी पढ़ाई चलेगी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आज ये होना है, कल वो होना, इस तरह बिल्कुल नहीं होगा। जो भी बच्चे कंफ्यूजन में हो, शायद अभी भी कुछ नए होंगे चैनल पे, तो सब्सक्रिप्शन बटन दबाना मत भूलिएगा, लाइक करिएगा और अपने सब संगी साथियों से कॉमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक? तो दैट वुड दी बेस्ट थिंग। और बिफोर वी प्रोसीड, सबसे पहले सारे बच्चे, क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे शायद कन्फ्यूजन में हैं, हम पहले क्या पढ़ेंगे, बाद में क्या पढ़ेंगे, तो बिल्कुल सीक्वेंशली एकदम बेसिक से जहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, आप आज पढ़ेंगे नाउन, ठीक है? नाउन एक से दो दिन या हद से हद तीन दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। रिमेंबर, हमें पूरी डिटेल लेके तो चलनी नहीं है भाई, ये थोड़ी कि नाउन के ऊपर थीसिस लिखनी, कितने लोग पीएचडी करने आए हो, नहीं ना, एक्स वाई ग्रुप है भाई, तो सिर्फ उतना पढ़ाई करिए जितने में आपका काम आराम से निकल जाएगा। तो नाउन पढ़िएगा, उसके बाद पढ़िएगा प्रोनाउन, प्रोनाउन के साथ में जहाँ पे, क्योंकि ये दोनों बनते हैं हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, हम पढ़ेंगे अपने वर्ब्स को जिसमें हमारे मोडल्स हम लोग अलग से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी देख रहे हैं क्वेश्चंस अलग से पूछे जाते हैं। फिर हम लोग पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, ठीक, एक ब्रीफ में, क्योंकि बहुत डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते हैं, एडजेक्टिव, एडवर्ब। साथ में हम लोग पढ़ेंगे अपने आर्टिकल्स को, आर्टिकल से भी एक से दो क्वेश्चन आ ही जाता है। इतना करने के बाद में, जब ये एक सेगमेंट हमारा कंप्लीट होगा, उसके बाद हम उठाएंगे अपने कनेक्टर, जो कि होते हैं प्रेपोजिशंस एंड कंजंक्शंस। तो जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट कि ये सीक्वेंस चलेगा। क्या होता है, कभी कभी कुछ बच्चे ना कोई वीडियो मिस कर जाते, किसी दिन कुछ ब्रेक हो गया, आपको पता होना चाहिए कि उस डेट में क्या चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर दो से तीन दिन मान के चलो नाउन चला, फिर दो से तीन दिन प्रोनाउन चला, हाँ वर्ब चलने में तीन चार दिन चल सकता है वर्ब में, क्योंकि वर्ब मोडल ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन पे आएगा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखना है। एडजेक्टिव एडवर्ब भी दो दिन के अंदर, आर्टिकल्स भी एक से दो दिन, फिर ये डिटेल होगा। तो ये वाला पार्ट थोड़ा डिटेल में, बाकी दो से तीन दिन के अंदर हम लोग निपटाने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे ये मत चिंतित होइए कि बहुत हड़बड़ी में कोर्स चलेगा, ना, मान के चलते हैं कि अगर ये सेक्शन में कुछ चीज़ें नहीं बच्चे को क्लियर हो रही हैं, दो की जगह चार दिन पांच दिन भी सेशन चलता है, नो इश्यूज, हम एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। एनडीए में महालाइव्स होते थे, चार घंटे, छः घंटे, बारह घंटे, यहाँ भी कर देंगे, ताकि बच्चों को कुछ भी ऐसा ना हो जो मिस आउट हो, कोर्स रह गया, ये जो क्वेश्चन मार्क है ना, ना ये नहीं चलेगा। कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, रिवीजन करेंगे और पास्ट ईयर पेपर भी करेंगे। इतना होने के बाद में करा जाएगा टेंस, और जब हम टेंस करेंगे उसके बाद, क्योंकि टेंस के बगैर भाई देखो स्पीच करना बहुत मुश्किल होता है, तब करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, यानी हमारा नरेशन, और लास्ट में हमारा वॉइस। वॉइस में वैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट से मतलब नहीं होता है, लेकिन हमें जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज ओवर है वो देखना पड़ता है। तो यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर हुई कि नहीं? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट, दिमाग में एकदम सेट रहना चाहिए कि हमें क्या चीज़ किस तरह से करना है।
हाँ भाई, क्लियर हुआ सबको? क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन प्रोसीड अकॉर्डिंगली. तो आज का पहला पार्ट सबने हो गया. चलो जी, तो भैया अब आते हैं अपने नाउन पे. तो क्या होता है नाउन? है भाई, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. जनरली हम लोगों ने यही पढ़ा होता है कि एक पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम. तो पर्सन का नाम, आपकी मम्मी ने बड़े प्यार से आपका नाम रखा था पार्थ, तो ये था एक नाउन. कुछ दिनों बाद, ठीक, तो पर्सन आ गया हमारा. तो भाई पर्सन, चलो एक नीट उस पर लिख दें ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. तो भाई एक बच्चा जिसके घर में नाम रखा गया उस पर्सन का, व्यक्ति का, तो ये था हमारा पर्सन. अब जब बच्चा पैदा हुआ तो भाई किसी ना किसी शहर, गांव, किसी क्षेत्र में पैदा हुआ होगा. तो मान के चलिए भाई बच्चा पैदा हुआ था लखनऊ में. ये आ गया हमारा प्लेस. फिर आते हैं एनिमल और थिंग पे. साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जहाँ जहाँ ये लगे कि आपको कुछ चीज़ नोट करनी है बाद में या नोट्स बनाने हैं. तो भाई नाम था पार्थ, पैदाइश कहाँ की थी? लखनऊ की, जो कि एक प्लेस था. अब मान के चलो भाई तुम में से हर एक ने ये देखा ज़रूर होगा कि जो भी आपका नाम होता है, कुछ दिनों बाद, शुरू में तो मम्मी बड़े प्यार से बुलाती है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा लल्ला, हाय मेरा बच्चुआ. और कुछ दिनों में जब आप बड़े हो जाते हैं, शरारती हो जाते हैं, तो आपके नाम के उपनाम निकल आते हैं. और उपनाम क्या क्या होते हैं ये देखिए, ये रहे आपके उपनाम. मेरे ख्याल से आप में से हर बच्चे ने कभी ना कभी अपनी लाइफ में इन उपनामों का यूज किया गया होगा आपके लिए. यानी ये था आपका ओरिजिनल नाम, ये रहे आपके उपनाम. जब आपकी मम्मी, दादी, नानी, बड़ी बहन, भैया लोग ये बुलाते हैं आपको, तो बुलाए गए हो कभी कि नहीं बुलाए गए हो ये बताओ. हमेशा हर बच्चा बुलाया गया है, ठीक. उसके बाद भाई पता चला आपके ऊपर कुछ चीज़ों का इस्तेमाल भी किया जाता है. यानी कि कभी कभी केन का, केन होता है डंडा, जिससे वही वाली छड़ी जिससे आपकी पिटाई हुई थी, वो चाहे नीम की दतून हो चाहे बबूल की हो, ठीक, उससे आपकी सुताई पिटाई हुई थी. इसके अलावा मम्मियों का फेवरेट झाड़ू, चिमटा, चिमटा इमटा पड़ा कभी कि नहीं हुआ, चप्पल जिसे हम स्लीपर लिख सकते हैं, वैसे चप्पल नाम भी अब फ्लिप फ्लॉप्स चप्पल एक्सेप्टेबल है. तो भैया ये थी क्रोनोलॉजी आपकी. तो ये थे आप कहाँ पैदा हुए, आपको जो उन विभिन्न नामों से पुकारा गया था, जहाँ से आप दो पाए जीव से तुरंत एक चौपाए में परिवर्तित हो जाते थे, कभी कभी किसी बर्ड में भी परिवर्तित हो जाते थे. हो सकता है आपके अपने भी कुछ नाम हो, आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में. और ये वो चीज़ें जिनसे आपकी पूजा की गई थी कभी ना कभी, ठीक. तो पर्सन एक व्यक्ति होता है, प्लेस यानी स्थान. अब आपके गाँव का नाम है, शहर का नाम है, कंट्री का नाम है, कहीं का भी नाम है, वो स्थान में आ गया. एनिमल किसी भी प्रकार का एनिमल है, चार पैर वाला है, कोई अन्य प्रकार का जीव जंतु, रेंगने वाला कुछ कीड़ा वीड़ा टाइप का हो, इंसेक्ट्स हो, किसी भी प्रकार का है, वो सारे के सारे जीव जंतु यानी एक पर्सन के अलावा जितने हैं वो कहाँ आ गए, यहाँ आ गए. और वो तमाम प्रकार की चीज़ें जो नॉन लिविंग होती हैं वो हो गई यहाँ पे. खाने पीने की चीज़ें भी यहीं पे आएंगी, वो खाने की चीज़ें जो आपको नहीं दी जाती जब आप कुट के बैठे होते हैं, क्योंकि आपने तो झाड़ू चिमटा खाया है, तो आज जो खीर बनी वो आपको नहीं दी जाएगी, यही सज़ा होती थी. कितने लोगों को ये समझ में आ गया? हाँ भाई ज़रा बताइएगा फटाफट. और जितने लोग लाइव आ चुके हो भाई, तो ज़रा फटाफट जो है ना, एक चीज़ है वहाँ पे अंगूठा है, तो वहाँ ज़रा लाइक वाइक कर दीजिएगा. लाइव काफ़ी लोग दिख रहे हैं लेकिन लाइक की थोड़ी कुछ कमी दिख गई है. चलिए आ गया, वेरी गुड बेटा. क्लासेस डेली ही होंगी. अब स्क्रीनशॉट लो फटाफट और अपने अपने जो भी एनिमल नेम्स आपकी मम्मी या पापा ने आपको दिए हैं, आपके अपने अच्छे शुभ नाम के अलावा, ये वाले जो ज़्यादा शुभ नाम है, प्यार वाले नाम है, ठीक. मम्मी कभी कभी कितने प्यार से बुलाती, अरे कुत्ते इधर आना,
तो जरा बताइएगा कमेंट सेक्शन में कितने लोगों को पुकारा गया है इन नामों से। हो गया, चलिए भाई स्क्रीनशॉट जरा फटाफट हाथ पैर चलाइएगा, ठीक है, वरना यहाँ से भी चिमटाई खींच के मारा जाएगा, याद रखना। आई हैव अ नाइस बिग केन ऑल्सो फॉर दैट मैटर। तो जब वहां पे क्वेश्चन आता है एक्स वाई ग्रुप में, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना, एक बेसिक स्ट्रक्चर अपने नाउन का कि ये होता है नाउन। अब नाउन जब डिवाइड किया जाता है, जब काइंड्स में बदला जाता है, तो ये रहा आपके पास सीक्वेंस, प्रॉपर कलेक्टिव कॉमन मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। स्क्रीनशॉट सारे बच्चे लेते चलेंगे साथ में, ठीक है। तो नाउन जब हम डिवाइड करते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रॉपर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, प्रॉपर में सारे वो नाउन आएंगे जो अभी हमने लिखे हैं। तो प्रॉपर में किसी व्यक्ति का भी नाम आ जाएगा, ठीक, किसी पर्टिकुलर सिटी वगैरह है उसका भी नाम आ जाएगा, कोई पर्टिकुलर चीज़ है, मान के चलिए वहाँ पे हमने लिखा था टोंग्स, टोंग्स होता है चिमटा, चिमटे से पिटाई सबने खाई है टाइम टू टाइम मेरे ख्याल से। ये एक ऐसा यूटेंसिल है जो मारने के, बेलन अगर कोई पतला वाला बेलन है, मोटे बेलन से देखो माँ इतनी होती सर हृदय कि मोटे बेलन से कुटाई नहीं करती आपकी, ये हो गया। और आपके पास एनिमल, नाउ एनिमल में थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि कुछ आते हैं आपके यहाँ पे कॉमन में भी, मान के चलो मैंने यहाँ लिखा डॉग और ऊपर कनेक्शन देखिएगा मैंने लिखा पग, पग क्या होता है, वही वो जो वोडाफोन वाला छोटा वाला कुत्ता जो पीछे 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 नेटवर्क के साथ में घूमता रहता है, वो होता है पग। कुछ आप लोगों को शायद, कुछ लोगों को जिनको कुत्ता उत्ता का शौक है, कुछ होते हैं हमारे अपने लोकल स्ट्रीट डॉग, दो दिन ब्रेड खिलाइए रोटी खिलाइए पीछे दुम हिलाते दौड़ते हुए चले आते हैं। और कुछ होते हैं जैसे पुलिस वुलिस वालों के पास बड़े बड़े एल्सेशियन कुत्ते, जर्मन शेपर्ड बोलते हैं उनको, तो जो ब्रीड का नाम है देखो मैंने वहाँ लिखा है क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे, अब पार्थ यहाँ लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा बॉय, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा सिटी, ठीक, लखनऊ, टॉन्ग्स हो गया एक यूटेंसिल, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, ठीक, और पग हो गया लास्ट में लिख देते हैं यहाँ पे डॉग। तो अब बच्चा समझिएगा चीजें, इसको हटाओ यहाँ से। तो जो बॉय है, बॉय कौन है, बॉय सब लोग, आप लोग भी तो बॉय हो कि नहीं हो, ठीक, तो ये है कॉमन नाउन, क्योंकि जब मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज तो कोई भी लड़का, दुनिया का जितना भी मेल है वो इस कैटेगरी में आ गया, लेकिन जब मैंने कहा पार्थ मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ, तो वो कौन जाएगा, वही लड़का क्लास में जाएगा जिसका ये नाम होगा। डिफरेंस क्लियर हुआ, ये प्रॉपर नाउन होता है जो एक यूनिक आइडेंटिटी देता है एक व्यक्ति को, आपकी अपनी पहचान, ये होता है हमारा नाम, इसीलिए इसको कहते हैं प्रॉपर नाउन। कॉमन जो सबके ऊपर अप्लाई करे वो होता है कॉमन नाउन। सिटी, तो आई लिव इन अ सिटी, अब आई लिव इन अ सिटी तो भाई हम कहीं भी रह सकते हैं, हम दिल्ली में हैं, हम मुंबई में, हम लखनऊ में, जमशेदपुर, आगरा, कानपुर, कहीं भी। लेकिन जब मैंने कहा लखनऊ में पार्थ का जन्म हुआ, तो एक स्पेसिफिक प्लेस, एक यूनिक प्लेस का डिस्क्रिप्शन या चीज़ दिमाग में आ गई, प्रॉपर है सिटी इसीलिए कॉमन है। हमने कहा यूटेंसिल, तो यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन, अब किचन में तो कितने ढेर सारे बर्तन हैं, आपकी पिटाई किससे हुई थी, आपकी पिटाई टोंग से हुई थी या आपकी पिटाई रोलिंग पिन से हुई थी, रोलिंग पिन होता है बेटा बेलन, ठीक। तो एक माँ होने के नाते हमें अच्छे से पता है कि ये सब एक इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं, हाँ, पीटने के इंस्ट्रूमेंट, हम लोगों के लिए खाना बनाने का तो होता ही होता है मामला। तो यूटेंसिल कॉमन क्योंकि उसमें तो कुछ भी आ सकता है, पर टोंग्स का मतलब चिमटा, रोलिंग पिन का मतलब बेलन, इनका अपना एक यूनिक आइडेंटिटी है, अपना एक काम है। फिर आ गया डॉग, डॉग में सब प्रकार के कुत्ते, वो सड़क पे कूदने वाले कुत्ते हों या घर में इतना छोटा सा क्यूट वाला हो, उतना बड़ा वाला हो जैसे पुलिस वुलिस वाले आर्मी वाले रखते हैं। हमने कहा पग, तो तुरंत दिमाग में वही वाला कुत्ता आएगा जो वोडाफोन वालों ने अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ किया था, वो नेटवर्क वाला कुत्ता पीछे पीछे डोलता हुआ। क्लियर हुआ कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन क्या नाउन क्या होता है, सबको क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं हुआ? टोंग्स ऐसे ही लिखा जाएगा, ये प्लूरल में ही लिखा जाता है जबकि ये सिंगुलर है, टोंग्स सही लिखा है, अभी ये चीज़ पे आएंगे, इसीलिए लिखा गया है। एवरीथिंग इट कुड बी अ सिंगुलर और अ प्लूरल, अभी इस पे मत जाइए, ये क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ, ये ज़रा बताइएगा। चलो भाई कलेक्टिव,
कलेक्टिव वर्ड आता है वर्ड कलेक्शन से, और कलेक्शन का मतलब होता है सारी चीज़ें इकट्ठा करना। तो अगर हमने कहा कि भाई, जैसे कि लड़के करते हैं कि चलो खेलने चलते हैं, तो क्रिकेट की टीम बनाते हैं आप लोग, ठीक। और कभी कभी कहीं कहीं इकट्ठा होता है क्राउड, यानी कि भीड़, जो कि किसी भी शहर में चले जाइए, हाँ लखनऊ में तो ख़ास तौर पे, मतलब इस वक्त ऑब्वियसली बहुत बंदी चल रही है, सब कुछ है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो क्राउड रहता है, तो टीम हो, क्राउड, और कभी कभी प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ पीपल के लिए कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे वर्ड है यहाँ ज्यूरी, कमिटी, पार्लियामेंट, कमीशन, काउंसिल, ये सारे शब्द आ जाएंगे कलेक्टिव में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शायद ये सिर्फ पर्सन के लिए है, यानी मनुष्यों के लिए, ऐसा नहीं है भाई। कलेक्टिव पशु पक्षियों में भी होता है, चीज़ों में भी होता है। बंच ऑफ की सुना है सबने कि नहीं सुना है? तो जो बंच होता है यानी चाबियों का गुच्छा, वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, नॉन लिविंग में है लेकिन वो कलेक्टिव है। और अगर हमने कहा पैक ऑफ डॉग्स, पैक ऑफ वुल्व्स या पैक ऑफ कार्ड्स, सेम है। तो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, सबके लिए कलेक्टिव होता है। जब भी वो चीज़ इकट्ठी होती है, गैदर होती है, वो बनता है कलेक्टिव नाउन। देन आते हैं मटीरियल नाउन। कोई भी चीज़ जिससे हम किसी भी अन्य चीज़ को बना सकते हैं, कोई भी चीज़ जिससे हम किसी अन्य चीज़ को बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, वो हुआ मटीरियल। अब अगर बेसिक चीज़ खाने योग्य है, खाद्य पदार्थ है, मान के चलो हमने एक एग्जाम्पल लिखा मिल्क, तो उससे हम खाने योग्य चीज़ें बना सकते हैं। और अगर अखाद्य है, यानी खाने योग्य नहीं है कोई चीज़, जैसे कि हुआ आयरन, तो हम उससे तमाम प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। अगेन, मटेरियल का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मेटल होगा, जो वुड होता है ना, वो भी मटेरियल में आता है। तो मेटल हो चाहे नॉन मेटालिक हो, प्लास्टिक वगैरह, ये सब मटेरियल। क्यों? क्योंकि इनसे हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। बस डिफरेंस क्या है कि जनरली अगर खाने योग्य कोई वस्तु है तो उससे क्या बनेगा? खाने योग्य। और जो नहीं खाने योग्य है उससे क्या बनेगा? ना खाने वाली चीज़ें। अब आती कुछ वस्तुएं, लेकिन वो बहुत रेयर केस है, जैसे कि गोल्ड, एक तो बहुत एक्सपेंसिव है, और क्या हम इससे खाने योग्य कुछ बना सकते हैं? हाँ, लेकिन बहुत कम। गोल्ड की जो वो बनता है पत्रा, ठीक, जो आपके मिठाइयों इत्यादि पे लगाया जाता है डेकोरेशन के लिए भी, और उसे खा भी सकते हैं। और वही जो सोना चांदी च्यवनप्राश है, शाहरुख खान बेचते रहते हैं, वो भी क्या है? वो खाने योग्य है। तो सोना है, चांदी है, इवन आयरन की टैबलेट्स लोग खाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आयरन उठाए चबाए पड़े। हाँ, मम्मी के सोने चेन चबा लिया, फिर भैया बेटा फिर से पुनः चिमटा बेलन आपके ऊपर अवतरित हो जाएगा। तो यहाँ तक, जब भी हम कोई चीज़ सोचें दिमाग में जिससे हमें यह आए कि इससे हम और कुछ चीज़ें बना सकते हैं, वो होता है हमारा मटीरियल नाउन। एंड में पांचवा है कैटेगरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है वो चीज़ें जिसका कोई शेप, साइज, फिगर नहीं होता। देखो, बाकी चारों जो कैटेगरी है ना, उसका एक शेप है, साइज है, फिगर है। अगर हमसे कहा जाए बॉय, तो भाई हम क्या एक बॉय ही का रूप बनाएंगे ना, अगर हम आर्टिस्ट हैं? या अगर हम एक पिक खींचे, तो हम बॉय की पिक खींच सकते हैं, हम मिल्क की खींच सकते हैं, हम कमिटी और ज्यूरी या उसकी खींच सकते हैं, ग्रुप्स की, इनमें से हर चीज़ का पिक खींचा जा सकता है, बनाया जा सकता है। इनका अपना एक शेप, साइज, फिगर होता है। एब्स्ट्रैक्ट का कोई शेप, साइज, फिगर नहीं होता है। तो आपके वो नाउंस जो हमारे फीलिंग्स और सेंटिमेंट्स को दिखाते हैं, वो कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउंस। हमारा हैप्पीनेस, हमारा सैडनेस, हमारा प्यार, हमारा विश्वास, हमारी ईमानदारी, हमारा भरोसा, सब कुछ होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये अकेला ऐसा नाउन है जिसका कोई शेप, साइज, फिगर नहीं होता है। और ये अकेला ऐसा नाउन है कि अगर इसमें एस, पहली चीज़ तो लगता ही नहीं है, लेकिन इनकेस अगर कभी लगा भी, तो बिल्कुल नाउन का फॉर्मेट पूरी तरह चेंज हो जाएगा। यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई, स्क्रीनशॉट लो ताकि चीज़ एकदम आपके पास रहे। यस बेटा, आर्मी कलेक्टिव है, बिल्कुल। ये कौन है? टोटल गेमिंग, भूख लगी है, अच्छा खाना भिजवा दें बेटा, ये बताओ क्या बना भेज दें, हैं बच्चा मेरा क्या खाएगा? हैं, दलिया खाएगा, पकौड़ी खाएगा, पराठा खाएगा? हाँ, आलू पराठा खाओगे बेटू? बनाऊँ? हिमांशु सिंह, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन चाइल्ड।
हिंदी में शीजन मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या बोलते हैं, शायद भाववाचक संज्ञा, लेकिन अगेन एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं. ठीक, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट जहाँ तक मुझे याद है इसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं. भाव यानी भावनाएं, क्योंकि उनका शेप साइज नहीं होता. और देखो, हैप्पीनेस, मान के चलो आपसे अगर हम पूछें हमें हैप्पीनेस दिखानी हो, तो ज़्यादातर बच्चे बोलेंगे मैम इमोजी बना ली जाए ऐसी कुछ. तो इमोजी में क्या बनेगा, ऐसे करके हो तो हैप्पीनेस है. रिमेंबर, ये हम सिर्फ एक्सप्रेशन कर रहे हैं कि ऐसा हैप्पीनेस है, ऐसा सैडनेस है, इसका कोई कंफर्म फैक्टर नहीं है. रीज़न, कई बार व्यक्ति बाहर से बहुत खुश खुश अपने को दिखाता है, क्या वो दरअसल वाकई खुश है? या कभी कभी दिखाता है कि अरे हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अरे तू मेरा भाई है, एंड क्या होता है, तुमसे बहुत ना ईर्ष्या होती है उसको. तो ये सारी चीज़ें इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट में आती, क्योंकि कन्फर्मिटी नहीं है. अब आपसे अगर हमने कहा जाओ एक चिमटा लेकर आओ, तो तुम क्या लेकर आओगे? किचन में गए तुम, तो तुम चिमटा ही उठाओगे और कुछ नहीं उठाओगे. तो ये चीज़ें फिक्स होती हैं, पक्की होती हैं कि हाँ ये हैं, ये टैंजिबल हैं. स्क्रीनशॉट लो जरा फटाफट से. अरे थैंक यू सो मच अग्नि एनडीए. बच्चे ये देखो, ये बेसिक्स हैं. अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन नहीं डायरेक्ट एनडीए में आएगा, लेकिन अगर आपको ये बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आपके लिए भी ये उतना ही फ्रूटफुल है. एनडीए में भी जब एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखो तो बच्चा इसी तरह की चीज़ें बताई गई थी. कई बच्चों को ये भी नहीं क्लियर होता है कौन सा नाउन किस कैटेगरी में आता है, पीपल आर कन्फ्यूज. तो ये है आपकी कैटेगराइजेशन. सीजन अब क्लियर हुआ आई होप. कृषेंदु, लास्ट क्लास का पीडीएफ हाँ शेयर नहीं हुआ है, मुझे भी पता है बच्चे, हम ही शेयर करेंगे. आप लोगों का जैसे सीडीएस का अपना एक ग्रुप है, आप लोगों का भी एक प्रॉपर ग्रुप क्रिएट कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, जितनी चीज़ें शेयर हुई हैं वो हुई हैं एनडीए की. अब एक ही ग्रुप में अगर सब कुछ जाएगा ना तो बहुत हौच-पौच हो जाएगा, हमारे लिए भी होगा, आपके लिए तो और ज़्यादा हो जाएगा. कैसे जज करेंगे कौन सा किस कैटेगरी में? ठीक है, तो आज आप लोगों का एक ग्रुप, और देखो वो एकदम से नहीं सब कुछ हो जाता है, बन जाएगा. आपको सारी पीडीएफ अपनी वहाँ, एक होगा ग्रुप एक्स वाई लोगों का ग्रुप, ठीक, एक्स वाई ग्रुप करके वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ शेयर होता रहेगा. ठीक है, सो डोंट वरी. बघेल, आई एम बेसिकली फ्रॉम यूपी. जसवंत, ऐसा नहीं, आई कैन सी योर मैसेज माई डियर. हाँ ये फर्स्ट क्लास है शिवम. लव इट विल टेक, आई सपोज दैट विल स्टार्ट बाय द एंड ऑफ द मंथ और द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर. थैंक यू सो मच रैंक बूस्टर. रवि, देखो अभी ना जसवंत तुम्हारे मैसेज नहीं डिलीट हो रहा है, आई कैन सी इट चाइल्ड. टाइम टेबल चेंज करना. देखो बच्चा, टाइम टेबल चेंज अभी हम लोग इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि देखो क्लासेस कैसे चल रही, एनडीए की भी होनी है, एक्स वाई ग्रुप की भी, और सीडीएस का भी पेपर आ गया है, उनके भी वीडियोस अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं, उनके हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनका लाइव नहीं हो पा रहा है. तो बच्चे उनका भी एग्ज़ाम है, आपका भी एग्ज़ाम है, एनडीए का भी नहीं है, ठीक है, आई अग्री, इन लोगों का टाइम है, लेकिन प्रिपरेशन तो इन्हें भी करनी है. तो अभी और ऑफलाइन क्लास अभी चलने की कहीं कोई उम्मीद नहीं है. पीपल हु आर ओपनिंग कोचिंग्स, बिकॉज हो सकता है कुछ कोचिंग वालों ने आपके लिए खोल दिया हो. आज सर ने भी सुबह बताया था, मैं फिर वही चीज़ रिपीट कर रही हूँ, जब तक खुद MJS डिफेंस एकेडमी को क्लियरेंस नहीं मिलता है, गवर्नमेंट ऑर्डर जब तक नहीं आता है कि हाँ भाई आप अलाउड है कोचिंग खोलने के लिए. रिमेंबर, गवर्नमेंट ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, ठीक, अभी टेंटेटिव डेट चल रही है कि 21 सितंबर तक आएगा. तो भैया तब तक तो रुक जाओ, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते. आपको अगर लगता है कि मैम कल से खोल लीजिए, अभी अगर पलट के कोई फाइन लगता है, कोई चार्जेस लगते हैं, कुछ होता है, तो बच्चे तुम कहाँ जाओगे ये सोचो. हम लोग तो चलो फाइन नहीं दे के छुट्टी पाए, तुम्हें कहाँ ले जाएंगे उसके बाद. सो रादर देन प्लेइंग विद द फ्यूचर ऑफ ऑल द किड्स, हम लोग ये नहीं करेंगे कि आपके भविष्य से खिलवाड़ करें. हम लोग कब तभी कोचिंग खोलेंगे जब हमारे पास ऑर्डर क्लियर आएगा कि हाँ भाई अब आप खोल सकते हो. तो वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट. यस, बिल्कुल बेसिक रूल से ही स्टार्ट होगा जब एनडीए वाला भी होगा, डोंट वरी. ओके, आई एम द वंस लूसिफर, ये तुम्हारी कोई है आईडी? चलो एनीवेज, एनीबॉडी हु इज इन क्लास 12th, ठीक, तो क्लास 11th इवन, अगर आप ये चीज़ अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत फीजिबल रहेगा. आगे आपको अभी अपने बोर्ड के भी एग्जाम में
ये चीज़ें बोर्ड वाले, भले ही आप CBSE हो, UP बोर्ड हो, ICSE हो, किसी भी बोर्ड के हो, या इवन अगर आपके जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं, ये चीज़ें बाकायदा अलग से पूछी जाती है। वर्ड्स दे दिए, इनमें से पहचानो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, तो तुम्हें भैया बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। इट वॉज वेरी हेल्पफुल फॉर यू, दैट इज़ फॉर श्योर। हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलते जाएंगे, यहीं पे मिलेंगे, डोंट वरी। हाँ, निमोनिक का PDF याद है बच्चा, अभी हमने बताया, ठीक, थोड़ा सा वेट करो, ग्रुप बनेगा, मिलेगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, अब चलो नेक्स्ट सेगमेंट देखो। हाँ, अब आपको यानी XY ग्रुप वाले और NDA CDS सारे केसेस के लिए, ठीक, ये कुछ चीज़ें हैं जो इंग्लिश में सबके लिए कॉमन होती हैं। भाई अगर दो का पहाड़ा है तो दो का पहाड़ा ऐसा तो है नहीं, ये NDA का होता है, ये CDS का होता है, ये XY वालों का, ये फलाने वालों का, नहीं। टू का टेबल सबके लिए सेम होता है, प्रोसेस सबके लिए सेम होता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो रिजल्ट निकलेगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, वो आपके लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें सारे केसेस के लिए, आप किसी भी सेगमेंट का एग्जाम दे रहे हो, ये आपको आना ही आना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी, तब बैठ के कुछ पूछने मत बैठना, ठीक। क्विकली टेक योर स्क्रीनशॉट्स। नाउ टेबल में आप देख रहे हैं, एक तरफ मैंने लिखा है काउंटेबल, एक तरफ मैंने लिखा है अनकाउंटेबल। अब वहां पे कमेंट छोड़ के यहां जरा पढ़ाई करो फटाफट से। तो काउंटेबल में आपको दिख रहा होगा, मैंने लिखा वन बॉय टू बॉयज वन सिटी टू सिटीज एंड सो ऑन, यानी एक सिंगुलर और उसके ठीक बगल में प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होता है? नाउन्स में या आपके इंग्लिश में होता है सिंगुलर प्लूरल, तो वन सिंगुलर, टू और उससे आगे सब प्लूरल। हिंदी संस्कृत की तरह नहीं कि पहले एक वचन फिर द्विवचन तब बहुवचन पे जाएंगे, यहाँ सीधे सीधे एक वचन और सीधे सीधे बहुवचन आएगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि नहीं, हम किसी भी शब्द को जब सिंगुलर से प्लूरल में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, वो होता है काउंटेबल, गिनने योग्य। गिनने योग्य वाले नाउन जितने हैं उनकी पहचान क्या चलती है? यू कैन काउंट ऑन फिंगर्स, सो आई कैन काउंट वन बॉय टू बॉयज, वन सिटी टू सिटीज, वन डॉग टू डॉग्स, वन टेबल टू टेबल्स, ठीक। हैज अ सिंगुलर एंड अ प्लूरल, इसीलिए इनका एक सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है। नाउन इज रिटन राइट आफ्टर द नंबर, जहां भी नंबर लिखा होगा, नंबर ये लिखे दिख रहे हैं, उसके ठीक बगल में उसका एसोसिएटेड नाउन लिखा होगा। एसोसिएटेड का क्यों मतलब, वन लिखा है तो एसोसिएटेड नाउन सिंगुलर होगा, टू या उससे अधिक की लिखी है नंबर तो नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा। अब आते हैं अनकाउंटेबल नाउन, दिख रहा है सबको अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर आप नाउन देखें तो मैंने यहाँ वन गोल्ड टू गोल्ड्स नहीं लिखा है, गोल्ड गोल्ड ही लिखा हुआ है, ये देखो गोल्ड्स वहाँ की तरह नहीं किया, मिल्क का मिल्क्स नहीं, शुगर का शुगर्स नहीं हो रहा है, इतना नोटिस किया सबने? जब हमने नाउन सिंगुलर से प्लूरल लिखा तो नाउन की अपनी सिंगुलैरिटी चेंज नहीं हुई, वो प्लूरल में लिखा ही नहीं है। दूसरी चीज हैज नो प्लूरल, ये देखिए पॉइंट लिखा है इंपॉर्टेंट। साथ में जब हमने नंबर लिखा तो उसके बगल में नाउन नहीं लिखा है, उन दोनों के बीच में लिखा है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कोई ना कोई मापने की यूनिट, वो यूनिट मैथमेटिकल लिखी जाए या कोई इनफॉर्मल यूनिट लिखी जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता है, पर कोई यूनिट होगा। शुगर यहाँ हमने केजीज में लिखा है, अब घर में हम शुगर केजीज में तो डालते नहीं, मान के चलिए 2 किलो शक्कर आई, ठीक। अब आपने अपने चाय में डालना है, दूध में डालना है, तो दूध पी रहे हैं, 2 ग्लास तुम चीनी, वो 1 ग्लास में तुम 2 चम्मच डालते हो, तुमने कहा 1 ग्लास ऑफ मिल्क टू स्पून फुल ऑफ शुगर, तो यहाँ आपने कोई यूनिट लिखी, वो केजी ग्राम में भले ही नहीं लेकिन आपने स्पून वर्ड यूज़ किया तब शुगर लिखा, आपने ये नहीं लिखा 2 शुगर्स, ठीक है। तो जब हम इस तरह का कुछ भी लिखते हैं आपने 2 शुगर्स नहीं लिखा, वहां पे आपने लिखा 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर, तो आपने भले ही मैथ्स की यूनिट नहीं यूज की है लेकिन कोई ना कोई यूनिट, वो चम्मच ही ना आपके लिए यूनिट बना। दाल आई, 10 किलो दाल आई, ठीक। अब मम्मी ने कहा 2 मुट्ठी दाल, तो
one handful of dal ya pulse jo bhi, theek, two handsful of the same dal. तो जो भी यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, ये नहीं कि मैथ्स वाली हो, कोई भी हो, जब हम नाउन को उसके नंबर के बगल में नहीं लिखते, इन दोनों के बीच में किसी तरह की यूनिट डालते हैं, वो होता है अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन हमेशा एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ मेजर होगा, इसका कोई प्लूरल नहीं बनेगा, कभी कोई प्लूरल नहीं होगा. एंड इट इज़ नॉट रिटन आफ्टर द नंबर, ये अपने नंबर के बाद में नहीं लिखा जाता है, इन नंबर और नाउन के बीच में यूनिट होता है. यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, समझ में आया? हाँ भाई, इतना सबको क्लियर बच्चे? लूसिफर ये फर्स्ट क्लास ही है बच्चे, स्टार्टिंग से ही है ये. फॉर्मूला का प्लूरल फॉर्मूलाज हो जाएगा. वेजेस अपने आप में एक प्लूरल वर्ड नहीं है, ये वेजेस इज चलता है, वेजेस आर भी, देखो अभी आ रहे हैं उन वाले वर्ड्स पे भी आ रहे हैं, रुको थोड़ा. हाँ फॉर्मूला आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला भी जिसमें ई लग जाएगा. डेली वन आर की क्लास होगी. सीजन इट वॉजेंट अ चॉइस एज सच, वाई डिड आई चूज डिफरेंट स्टूडेंट्स, आई मीन आई एम अ टीचर, तो एट एनी पॉइंट इन टाइम कोई भी बच्चा आए अगर पढ़ना हो तो ही इज़ मोर देन वेलकम. तो इट इज़न्ट कि हम सिर्फ डिफेंस के बच्चे पढ़ाते हैं, मेनी अदर केसेज एंड कोर्सेज ऑल्सो जिनके बच्चे मैंने पढ़ाए हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है. तो देखो टीचर ना चॉइस नहीं होता है कि हम इस बच्चे को पढ़ाएंगे इसको नहीं. अ टीचर इज़ नॉट सपोज टू डिस्क्रिमिनेट. और इंग्लिश वैसे भी भाषा है, ये मैथ्स नहीं है कि कुछ एग्ज़ाम में आती कुछ में नहीं आती, कहीं ये लेवल कहीं वो लेवल. इंग्लिश सीखने के लिए तो कोई भी आता है तो वो ठीक है, ही इज़ मोस्ट वेलकम टू स्टडी. रहा कि डिफेंस का अपना एक पैटर्न होता है, तो एक अच्छा टीचर क्या करता है, वो कुछ नहीं करता है, वो उस पैटर्न को देखता है, समझता है और वो पैटर्न अपने बच्चों को समझा देता है. आप अगर SSC के होते तो हम उस पैटर्न से पढ़ाते, तुम बैंक के होते हम उस पैटर्न से पढ़ाते. तो इंग्लिश सेम होती है, बस थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है, ठीक. वो बस इतना है कि नाक यहाँ से पकड़ी जाएगी कि घुमा के पकड़ी जाएगी कि किधर से. बाकी ये अगर डेफिनेशन है तो ये NDA वालों की अलग, CDS की अलग, XY की अलग, SSC की अलग, बैंक वालों की अलग, आप IAS के लिए जा रहे हैं तो अलग, ऐसा नहीं है बेटा, इट इज़ द सेम, ठीक है. बाकी टीचर्स देखो, आई अग्री देर आर मेनी पीपल हु कैन गिव यू सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन कि इसमें ऐसे करना है उसमें वैसे करना है. बेसिक्स ऑफ इंग्लिश कभी नहीं बदलता, वो सेम होगा. नाउन का डेफिनेशन अगर मान के चलो मैं एक IAS की क्लास में दूंगी तो भी वही होगा, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग. और जब मैं तीसरी कक्षा के बच्चे को दूंगी तो भी यही होगा, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग. कलेक्टिव का जो एग्जांपल यही है वही एक छोटे बच्चे को दिया जाएगा. पिकअप एनी बुक ऑफ क्लास थर्ड, आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी. ये होता है फैक्ट. देखो जब आप बचपने में पढ़ते हो तो बड़े आते आते तक बहुत सी चीज़ें आप बेसिक्स की भूल जाते हो, होता वही है. तीसरी चौथी पांचवी में यही रूल मिलेगा, 100% गारंटी, किसी भी बोर्ड से हो कहीं से भी पढ़ के उठा लेना. एंड यस, डिफेंस स्टूडेंट्स आर नाइस एंड गुड एंड यू हैव अ रैपो विद देम. हाँ, तो इतने दिन में कुछ रैपो भी बनने की एक चीज़ होती है, एक अंडरस्टैंडिंग की बात होती है बच्चे के साथ में, बन जाता है. बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उन्हें पढ़ाएंगे और बाकी सबको छोड़ देंगे, ऐसा कोई टीचर नहीं करता बच्चा. फॉर अ टीचर, देखो हम पॉलिटिशियंस नहीं हैं, हाँ ये भूल जाते हो तुम लोग, हैं कि हम इन्हें प्रेफरेंस देंगे उधर नहीं देंगे, नथिंग लाइक दैट. नाउ जो अभी आप लोग क्वेश्चंस में क्वेश्चंस कर रहे थे, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वो लिस्ट है आपके नाउन्स की. ये वो लिस्ट है यूज्ड एज सिंगुलर ओनली, इनका प्लूरल नहीं बनता है. तो लिस्ट अगर आप देखें, मशीनरी, लगेज, बैगेज, फर्नीचर, पोइट्री, सीनरी. अब आते हैं कि क्वेश्चन कैसे आएगा आपके XY में. जो बच्चा NDA वाला भी यहाँ पर है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि आपके NDA में क्वेश्चन आया हुआ है. पास्ट ईयर पेपर सेट उठाइएगा, आपको मिल जाएगा.
सीनरी का मिलेगा, फर्नीचर का मिलेगा, एक बार शायद पोइट्री का भी है, वहाँ मुझे कुछ डाउट है, और एक वुड का। ठीक, तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है आई कैरीड अ लॉट ऑफ लगेजेस या बैगेजेस, बैग्स एंड बैगेजेस, तो बैग्स तो सही है भैया, ये रहा एरर, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि लगेज वर्ड और बैगेज वर्ड, सबसे इजी वर्ड से समझिएगा, क्योंकि जब हम कहते हैं बैग तो कहते हैं वन बैग टू बैग्स, तो इसमें भी दिमाग में ही आता वन लगेज टू लगेजेस, तो मान के चलिए सारा परिवार जा रहा है तो कम से कम दो तीन सूटकेस, हैंड बैग्स, ठीक, खाने पीने वाला एक देखो बैग बनता है खाने पीने का, ये तो हमारे इंडियन रेल मतलब का ना, जो टिपिकल इंडियन यात्री हो लेके चलता है अपना डब्बा, पूरी सब्जी अचार, ठीक, पानी की बोतल साथ में होनी चाहिए, ठीक, मम्मी लोग एक पर्स जरूर लेके चले, उसमें सब कुछ भरा होता है, ना जाने क्या क्या होता है, तो भाई सब कुछ लेके चल रहे हैं तो बैगेजेस लेके जा रहे हैं, बैग्स एंड बैगेजेस, नहीं, बैग्स वर्ड सही है लेकिन बैगेजेस गलत है। अब आते हैं क्यों। ठीक, यार रवींद्रनाथ टैगोर ने अपने पूरे जीवन में ढेर सारी पोइट्रीज लिखी थी, तो सेंटेंस आया ही हैड रिटन, ठीक, हरिवंश राय जी ने बहुत खूबसूरत कविताएं लिखी, तो कविता नहीं कविताएं लिखी, ढेर सारी लिखी हैं, ही हैड रिटन ब्यूटिफुल पोइट्रीज, तो ये लिखा गया। ठीक, या किसी ने कुछ सीनरी वीनरी बनाई है तो उन्होंने भाई फलाने बड़े आर्टिस्ट, हाँ उन्होंने बहुत खूबसूरत सीनरीज बनाई हैं, तो ये जो वर्ड्स होते हैं बच्चे ये होते हैं रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं। नाउ द बिग क्वेश्चन कि मैम ऐसा क्यों है, हम क्यों नहीं सीनरी को सीनरीज, पोइट्री को पोइट्रीज, फर्नीचर को फर्नीचर्स बोल सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, मान के चलो चेयर तो चेयर चेयर्स, टेबल टेबल्स, सोफा सोफास, काउच काउचेस, सबका प्लूरल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन इसका नहीं बन रहा है, क्यों? तो बच्चा इस क्यों का जवाब, वाई का जवाब किसी टीचर के पास नहीं मिलेगा आपको, इस वाई का सिर्फ एक जवाब है, इंग्लिश इज क्वाइट एन इलॉजिकल लैंग्वेज। ये बहुत ही अनसाइंटिफिक और इलॉजिकल अतार्किक भाषा है, ये तर्कपूर्ण भाषा नहीं है। फर्नीचर एक चीज होती है, ब्रेड एक चीज होती है, वुड एक चीज होती है, तो जो थिंग्स होते हैं वो तो सिंगुलर से प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है, ये एक बहुत अनसाइंटिफिक इलॉजिकल भाषा है, इसलिए यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। और चूंकि हमारे दिमाग में ये सेट होता है कि कुर्सी कुर्सियाँ, लकड़ी लकड़ियाँ, कविता कविताएँ, तो हमें लगता है हाँ ये सही है, बट आपको लर्न यही करना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे एस ई एस यानी कि प्लूरल उनका नहीं बनेगा, Nouns used as singular only, and this is your list that is continuously asked. Screenshot ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, ताकि आगे के लिए आपको दिमाग में रहे कि इस तरह से आए तो गलती है, मतलब गलती वही एरर है। ठीक, अब आते हैं इसी में भी थोड़ा सा कुछ और बाकी है, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको, ज़रा बताते बताते जाइएगा। सिनारियो सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है, सिनारियोज नहीं होते वैसे ही जैसे सीनरीज नहीं होता है। कौन है ये? अभिषेक श्रीवास्तव। प्लूरल फॉर्म ऑफ पोएट्री होता ही नहीं है, अहिल पटेल। ऑफलाइन लखनऊ में रहेगा। अच्छा हाँ, आई डोंट नो वेदर सर मेंशन्ड और नॉट, एनीबॉडी हु टेल्स यू, कोई भी अगर आपको बताता है कि हमारा ऑफलाइन ब्रांच किसी भी सिटी में, किसी भी स्टेट में, कहीं पे दुनिया में,
ठीक फला जगह पे MJS डिफेंस एकेडमी का एक ब्रांच है, कोई फ्रेंचाइजी है, या कोई फलाने हैं जिन्होंने वहाँ से टाई अप किया है, या कुछ हमारा कोलैब हुआ है, नो मीन्स अ नो, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का ऑफलाइन की अगर हम बात करें तो भैया ये है हम लोगों का एड्रेस, लखनऊ सिटी सबको पता है, कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, वहाँ पे हजरतगंज है एक प्लेस, किसी से भी आप पूछेंगे तो आपको तुरंत पता लग जाएगा, ठीक। इट इज़ देयर इट्सेल्फ, प्रिंस कॉम्प्लेक्स एक मतलब बड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत से कोचिंग्स वगैरह और तमाम ऑफिस वगैरह हैं, वहाँ पर है ये ऑफिस, ठीक। एनी मतलब कोई भी कभी भी अगर लखनऊ आया तो उसको पता है हजरतगंज का है, वहाँ ऑफिस है, वहीं पर है कोचिंग, ठीक है, और कहीं नहीं फिलहाल अभी MJS डिफेंस एकेडमी ने कहीं ब्रांच आउट नहीं किया है। तो प्लीज़ अगर कोई भी ऐसा है तो मान के चलिएगा फेक है, आप कॉल करिए, मैसेज करिए, हम लोगों से कंफर्म करिए। एंड अभी तो कहा ना फॉर एज ऑफ नाउ कहीं कोई और ऑफिस नहीं है, कहीं कोई और कोचिंग इस नाम से नहीं है, किसी से कोलैब या ब्रांचिंग नहीं की है हम लोगों ने, तो प्लीज़ इससे कंफ्यूज मत हो जाना भाई। अच्छा भाई यहाँ तक हो गया, अब यहीं के कुछ वर्ड्स अभी आगे लेके चलना है हम लोगों को। सृजन अच्छा बिकॉज आई डोंट नो चाइल्ड, बिकॉज MJS के नाम से अगर हम कहते हैं कोई पढ़ा रहा है या कुछ है तो हमारी एक फिक्स टीम है जो यूट्यूब पे आपको पूरी की पूरी दिखती है, ठीक। तो हम में से कोई कहीं भी किसी शहर जाके नहीं पढ़ा रहा है, सारे लोग यही हैं लखनऊ के हैं, ठीक है, थीके? तो इसलिए ये कन्फ्यूजन में मत पढ़ना भाई। बिहार में अगर हो या कोई कहीं भी है फॉर दैट मैटर चाइल्ड, तो आपको फ़िलहाल क्योंकि हम लोग और कहीं भी अपना ब्रांच आउट नहीं कर रहे हैं तो फिलहाल सिर्फ एक ऑप्शन है बच्चे के लिए, अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहता है उसे लखनऊ आना पड़ेगा। हॉस्टल फैसिलिटीज़ बाकी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी यहाँ, लेकिन अभी हम और कहीं नहीं ओपन कर रहे हैं। अच्छा अब यही वाले कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देखेंगे। तो भैया वुड लिखा है, अब एक स्टेटमेंट यहां देखना, द वुड्स, और देखो मैंने लिखा आर, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहां लिखा गया वुड्स और यहां लिखा गया आर, अब भैया ये यानी लकड़ी और लकड़ियाँ वापस आ गया नहीं, यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने गलत अंग्रेज़ी लिखी, नहीं भैया उसने नहीं लिखी गलत अंग्रेज़ी, बहुत अच्छे कवि हैं मतलब थे गुजर गए, ठीक, इंग्लिश का बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, नेचर पे उन्होंने बहुत खूबसूरत लिखा है, तो ऐसा नहीं गलत नहीं लिखा है। उन्होंने जब लिखा वुड्स और लगाया आर तो उनका मतलब था फॉरेस्ट यानी कि जंगल, जंगल वर्ड ना हिंदी का वर्ड है जो अंग्रेजों ने चुरा लिया, बहुत चीज़ें चुराई उसके साथ शब्द भी चुराए बहुत से, तो फॉरेस्ट और जंगल होता है वुड्स, लकड़ी और लकड़ियाँ नहीं होता, आप हिंदी वाले दिमाग से नहीं सोचेंगे। फिर आते हैं, ये क्लियर हुआ सबको, सेंटेंस समझ में आया क्या किया हमने, द प्लेन लैंड्स ऑन द एयर स्ट्रिप, एयर स्ट्रिप होती हवाई पट्टी, ठीक है, लैंड्स, तो बेटा एक जमीन और जमीने वाला कोई केस नहीं हो रहा है, इंग्लिश में कोई प्लूरल नहीं होता है, द प्लेन लैंड्स ऑन द एयर स्ट्रिप, एयर स्ट्रिप मतलब हवाई पट्टी, तो भैया प्लेन उड़ रहा है उसके बाद वो लैंड करेगा यानी वो उतर रहा, ये एक वर्ब है लैंड्स, लैंड लैंड ही लिखा जाएगा। वैसे भी जब जमीन अमीन खरीदी जाती है तो कैसे बीघा होता है, स्क्वायर फिट होता है, इस तरह से खरीदी जाती है, एकड़ वेकड़ में खरीदी जाती है, वो भैया ये थोड़ी एक जमीन दो जमीन बोलते हैं हम लोग, हिंदी में चाहे जैसे बोलें इंग्लिश में नहीं होगा। क्विकली टेक दिस स्क्रीन शॉट सो दैट यू विल रिमेंबर कि किस तरह चेंज करते हैं, अगर ट्विस्ट किया गया NDA में ये ट्विस्ट आते हैं, हाँ चंदन बिल्कुल आएगा। बच्चे सिलेक्शन देखो,
सेलेक्शन इज टोटली अपॉन यू. पहली चीज़ तो ये क्लियर होनी चाहिए. सेलेक्शन कैसे होता है किसी भी बच्चे का, किसी भी एग्ज़ाम में, एनडीए हो, एक्सवाई ग्रुप हो, सीडीएस हो, बैंक हो, किसी भी कंपटीशन में या स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लाने का एक ही तरीका होता है और वो होते हैं खुद आप. आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए. टीचर आएगा, पढ़ाएगा. अब हम आए, हमने आपको पढ़ाया, हमने बताया बच्चे स्क्रीनशॉट ले लो. बच्चे ने स्क्रीनशॉट ही नहीं लिया तो पढ़ो कैसे भाई. तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए. उसके बाद जब बाद में बंद हो जाएगा उसके बाद रिवाइज करिए एक बार फिर से, क्योंकि आपने स्क्रीनशॉट सेव कर रखे हैं. मैंने पहले ही दिन बताया था, चलो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, एक रजिस्टर, एक कॉपी, एक डायरी जहाँ पे आप नोट्स अपने लिख सकें वो बना लीजिए. एक पेन रखिए अपने पास जिससे आप अपने नोट्स लिख सकें, लाइव के दौरान भी, रिकॉर्डेड वीडियो में, और बाद में आप उन नोट्स को अच्छे से स्टडी कर सकें. जितना अच्छा मेहनत आप कर ले जाओगे मेरे साथ में उतना आपका काम बनेगा. टीम यहाँ पूरा डेडिकेशन देगी आपको बच्चे, लेकिन ये नहीं कि देखा वीडियो फिर बंद किया अब नाम जाने. मैम को तो देना नहीं, तुम्हें भी कुछ जानना पड़ेगा तो मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी. रिमेंबर इट्स अ टू वे प्रोसेस. टीचर एंड टॉट के बीच में रिलेशनशिप बोथ एंड्स का होता है. हम इधर से कुछ देते जाएं और आप उधर ले ना रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा. तो अल्टीमेटली इट इज़ ऑल्सो अप टू यू टू स्टडी वेरी डिलीजेंटली, बहुत हार्डवर्क के साथ करना है. ये क्लियर हो गया सबको. उसी तरह मिल्क का, ही मिल्क्स द काउ. चलो अच्छा लिख दें ताकि आप लोगों को बाद में कन्फ्यूजन ना रहे. अगर सेंटेंस आता है ही मिल्क्स द काउ या बफलो, कुछ भी, तो मिल्क्स होता है अगेन वर्ब और ये हुआ दूध दुहना. दूध दुहना हम लोग के वहाँ तो देखो इधर यूपी बिहार साइड तो यही बोलते हैं. आप में से कुछ लोग अगर साउथ या कहीं के हों, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिल्क फ्रॉम द अडर्स ऑफ अ काउ और अ बफलो और एनी डोमेस्टिकेटेड एनिमल. द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द अडर्स ऑफ एनी डोमेस्टिकेटेड मिल्क गिविंग एनिमल इज मिल्किंग. ठीक, तो जो वो प्रोसेस है दूध दुहना जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक, बाय हैंड्स या विद द हेल्प ऑफ अ मशीन में भी, दैट इज मिल्क्स. मिल्क इज दूध, मिल्क्स इज अ वर्ब. क्लियर हुआ सबको? हाँ भाई ले लिया, ये स्क्रीनशॉट भी ले लो जरा फटाफट से. हो गया सबका? वर्ड्स का सबने कर लिया है. ये रहे वर्ड शुरुआत से. मशीनरी ये पहले लिख लो. नाउन्स यूज्ड एज सिंगुलर ओनली. हाँ भाई स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी, हाथ चलाइए. और ये बाकी के, और ये आगे आपके एग्जाम्पल्स जो कंफ्यूज कर जाते हैं. डन एवरीबॉडी? चलो जी नेक्स्ट सेट देखते हैं. तो भाई यहाँ पे दो तरफ नाउन्स लिखे हैं. अच्छा चलो पहले समझ लो थोड़ा. तो एक इस तरफ लिखा है, एक इस तरफ लिखा है. अब दोनों में एक बेस डिफरेंस. पहले इधर वाले जो लिखे हैं इनके साथ में हम लगाते हैं आर, ठीक, और इधर लगाएंगे हम लोग इज. अब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का भी थोड़ा थोड़ा सा बेस बनेगा. देखो यहाँ पे, वहाँ हमने आर लगाया जबकि देखो उन नाउन्स में भी एस लगा हुआ है, इधर मैंने लगाया इज जबकि इन नाउन्स में भी एस लगा हुआ है. अब डिफरेंस क्या है? ये वो नाउन्स हैं जो कि हमेशा कैसे लिखे जाएंगे, रिटन एज प्लूरल. ये हमेशा प्लूरल के तौर पे लिखे जाएंगे. पर इनमें डिफरेंस क्या है भाई? वर्ब भी देखना है. इनका जो वर्ब चलेगा वो चलेगा प्लूरल का प्लूरल. आर देखो लगाया मैंने, पर इधर जो वर्ब चलेगा ना वो चलेगा सिंगुलर. रीजन अगेन सेम. इंग्लिश ना बहुत ही इलॉजिकल, बहुत अतार्किक भाषा है, बहुत ही बेवकूफ़ी वाली भाषा है. ये तो क्या कहें, आयरनी ऑफ आर कंट्री. हमारी विडम्बना है कि हमें पढ़ना है उसको, ठीक, और पास भी होना ज़रूरी है. तो नाउन्स जो हमेशा प्लूरल में लिखे जाएंगे, पर हमें ध्यान क्या रखना है, कुछ एक सेट ऐसा है जिसमें वर्ब प्लूरल ही रहेगा
और कुछ ऐसा है जिसमें वर्ब सिंगुलर रहेगा। अब जैसे न्यूज़ एक वर्ड है, पहले इधर से देखते हैं न्यूज़ क्या होता है। न्यूज़ होता है समाचार। एस हटाया क्या बना, न्यू यानी कि नया। पर अब नया क्या होता है, नया तो होता है एडजेक्टिव। अगर एस हटा तो बचा न्यू, और न्यू होता है एडजेक्टिव यानी कि नया। समन्स होता है वो कोर्ट का आदेश जिससे कोर्ट आपको बुलाता है अपने वहाँ किसी कारणवश। याद रखिएगा ये जो अरेस्ट वाला होता है ठीक, या कुछ इस तरह का, वो नहीं है। सिर्फ कोर्ट ने आपको, ये वारंट वारंट नहीं है, ये सिर्फ आपको कोर्ट ने अपने पास बुलाया है किसी भी कारणवश, उसको सम्मन्स कहते हैं। हिंदी में जिसको हम लोग सम्मन बोलते, कोर्ट वाले भी यही बोलते रहते, सम्मन भेज दिया, यहाँ पे सम्मन्स ही होगा। मीजल्स एंड मम्स, मीजल्स होता है खसरा, मम्स को आई रियली डोंट नो हिंदी में क्या कहते हैं, आई विल ट्राई एंड आस्क समबडी। तो मीजल्स खसरा, तो मीजल्स में एस लगाई हुआ है, इसकी तो स्पेलिंग ही ऐसी होती है भाई, और मम्स में भी एस लगाई हुआ है, इसकी स्पेलिंग ऐसी ही होती है। कभी कभी ये वर्ड्स भी आए हैं, ध्यान क्या रखना है, इस पे आ रहा है। ये प्लूरल दिख रहा है नाउन, परंतु इस पे आ रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो कुछ ऐसे नाउन है वो प्लूरल दिख रहे हैं तो आर लिख रहे हैं। अब देखो गुड अगर करा हमने, इसमें भी लोचा, यहाँ पे अगर हमने लिखा गुड तो गुड क्या होता है, एडजेक्टिव, अच्छा, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बैड बॉय। हाँ, सीजर्स, एस हट गया ना अगर, स्पेक्टिकल्स, तो इनमें जो मीनिंग है वो बदल जाएगी, सीजर्स तो रॉन्ग ही हो जाएगा वर्ड, सीजर कोई वर्ड नहीं होता। जैसे अभी कई बच्चे लिख रहे थे मैम ये वाला वो वाला, अब कॉन्सेप्ट शायद कुछ क्लियर होगा। स्पेक्टिकल से अगर स्पेक्टिकल बना तो वो होता है व्यू, इस वर्ड का मतलब होता है व्यू। उसी तरह ग्लासेस यानी पहनने वाले, ठीक, अगर एस हटा तो बना ग्लास जो कि होता है यूटेंसिल या एक मटेरियल भी। ट्राउजर्स एंड पैंट्स, अगेन अगर ट्राउजर्स में से एस हटा तो वो कोई अंग्रेजी का वर्ड नहीं, ट्राउजर कोई वर्ड नहीं होता है, और पैंट्स में से एस हटा तो वो बना पैंट, ये होता है एक वर्ब और इसका मतलब होता है ब्रेथलेस होना। अब ये इतना स्क्रीनशॉट लीजिए और जरा मुझे फटाफट बताइए कमेंट सेक्शन में कि समझ में आया कि नहीं आया। ट्राउजर्स इज नॉट पजामा, मम्स इज नॉट मुहासे, मुहासे इज पिंपल्स एंड एक्ने। समझ आ गया सबको, चलो गुड। अनमोल, बच्चे सिर्फ इतना याद रखना है बेटा कि कुछ नाउन्स होते हैं जैसे वहां थे नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं, ये नाउन्स वो हैं जो हमेशा प्लूरल में लिखे जाएंगे, हमेशा मतलब हमेशा, कोई रूल ब्रेक नहीं है। फर्क क्या है कि इसमें से एक लिस्ट है जो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ होगी, देखो वो इधर लिखी हुई है, और एक लिस्ट है जो हमेशा प्लूरल वर्ब के साथ लिखी जाएगी जो कि उधर लिखी हुई है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में ये काम आएगा। ये देखो अब आते हैं, ये देखो अभी हमने क्या लिखा था, पैंट्स आर, ट्राउजर्स आर, प्रॉब्लम, ठीक, अगर थोड़ा ट्विस्ट किया गया क्वेश्चन, जो कि जनरली एक्स वाई ग्रुप में नहीं होता है, एनडीए में तो बहुत होता है। डिफरेंस बस यहीं से समझिए कि एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से थोड़ा डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। अ पेयर ऑफ शूज, ग्लव्स, ट्राउजर्स इज लॉस्ट, अब यहाँ मैंने इज लगाया है। नॉर्मली अभी देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ऊपर ही अगर देखिए एग्जांपल, ट्राउजर्स आर, पैंट्स आर, ग्लव्स आर लॉस्ट, यहाँ हमने इज कैसे लगा दिया, प्रोसेस ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। A pair
इज लॉस्ट. एक जोड़ा जूता, एक जोड़ा ग्लव्स. ग्लव्स होते हैं दस्ताने. ट्राउजर्स होता है पैंट्स, यानी कि पतलून. इन्हीं को हम पैंट्स भी कहते हैं. ठीक. इज लॉस्ट क्यों? क्योंकि हमने वहां पैर लिखा है. अब रूल समझिएगा ध्यान से. जब भी कोई सब्जेक्ट ऑफ वर्ड से अटैच होता है, दो शब्द या दो सब्जेक्ट ऑफ वर्ड से अटैच हो रहे हैं यानी जोड़े जा रहे हैं, तो जो ऑफ से पहला वाला पार्ट का सब्जेक्ट होता है वही डिसाइड करता है वर्ब को. जो आपके प्रेपोजिशन से पहला वाला पार्ट का सब्जेक्ट होता है यानी उसके जस्ट पहले जो लिखा होता है वही डिसाइड करता है हमारे वर्ब को. और इसका एक अच्छा एग्जाम्पल आप इससे लर्न कर सकते हो बेटा. पेज ऑफ द बुक पेजेस ऑफ द बुक is torn, are torn. तो जो बुक का पेज है, इस सेंटेंस से देखो, पेज पेजेस, पेज इज, पेजेस आर. ऑफ से पहले, जब भी प्रेपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट होगा वही हमारे वर्ब को डिसाइड करके देगा. बाद में देखो, बुक लिखा हो, बुक्स लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है. पॉइंट सबको क्लियर हुआ? अगर बुक होता सब्जेक्ट तो यहाँ इज है, तो यहाँ भी तो इज होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि प्रेपोजिशन से पहले जो शब्द लिखा है वही डिसाइड करेगा मेरे वर्ब को. तो अब देखो यहाँ पे, अ पेयर ऑफ शूज, शूज लिखा है, लेकिन ऑफ से पहले क्या लिखा है? अ पेयर. अ पेयर मतलब एक. अ लगा है ना, इज लॉस्ट. यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको? ठीक से सबको समझ में आ गया? चलो, अ लॉट ऑफ. अच्छा, अ लॉट ऑफ, मैनी, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये फ्रेजेस होते हैं बेटे. ये प्रेपोजिशन नहीं है, ये फ्रेजेस है. फ्रेजेस में अलग रूल चलेगा विशाल. ठीक. रिमेंबर, फ्रेजेस वाले केसेस को इस वाले में मिक्स एंड मैच मत कर देना बच्चे, क्योंकि वो बहुत डिफरेंट चीज चलेगी. हाँ बच्चे, फिजिक्स का भी क्लास करवा देंगे. वो असल में हम लोगों के टीम का एक मेंबर अभी भी एडमिटेड है, ही इज़ नॉट बैक एज येट. हाँ, तो वी आर ऑल्सो इन अ क्वांड्री एट द मोमेंट, क्योंकि उसकी तबीयत में अभी कुछ खास सुधार दिख नहीं रहा है. तो थोड़ा सा भी हम लोग भी इसी वजह से परेशान हैं कि कैसे क्या मैनेज किया जाए. तो आज हम लोगों ने पहली लिस्ट में क्या देखा था? जो नाउन सिंगुलर नहीं. चलो अभी सम अप कर देंगे. एक पहले ये देखो, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है. अब यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिख रहे हैं. तो शीप है, डियर है. शीप का मतलब होता है भेड़. भेड़ वर्ड सबको पता है, आई होप पता हो. ठीक, हम लोग की वहाँ की लैंग्वेज में जो है मैं वो लिखे दे रही हूँ. दिस इज़ द भेड़, दिस इज डियर, हिरन, हिरन और हिरन से जुड़ी जो भी प्रजाति वगैरह. ठीक है. स्वाइन होता है एक. फीमेल पिग, पिग का जो फेमिनिन होता है वो होता है स्वाइन. कॉड, ट्राउट और सैल्मन, ये होती हैं फिशेस. विभिन्न प्रकार की मछलियों के नाम है ये. अब ज़्यादातर क्या होता है, हम लोग जब लिखते हैं तो हमने लिखा भैया डॉग सिंगुलर, और लिखा डॉग इज बार्किंग. डॉग्स लिखा तो हमने लिखा, यही होता है रूल कि नहीं? डॉग इज बार्किंग, डॉग्स आर बार्किंग. कैट इज स्लीपिंग, कैट्स आर स्लीपिंग. अब यहाँ क्या हो रहा है? शीप का शीप्स हो सकता है. अगर हम लोगों ने सेंटेंस लिखा शीप्स आर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग होता है चरना. दिस वर्ड इज चरना. तो
शीप्स आर ग्रेजिंग, कि भाई भेड़ों का झुंड है वो ग्रेस कर रहा है। ये रहा हमारा एरर पार्ट, ये नहीं होना चाहिए। शीप आर ग्रेजिंग सही है, डियर इज गैलोपिंग यानी एक, डियर आर गैलोपिंग यानी एक से अधिक, पर डियर्स वर्ड नहीं लिखा जाएगा। अगर हम लोगों ने लिखा अ फ्लॉक ऑफ शीप तो भी हम लिखेंगे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो देखो मैंने लिखा बर्ड्स, प्लूरल किया, फ्लॉक का मतलब झुंड। अब हमने उसकी जगह लिखा अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, तो ये रहा एरर, होना चाहिए सिर्फ अ फ्लॉक ऑफ शीप। आप लोगों के एक्स वाई ग्रुप वालों को ये प्रोसेस क्लियर हुआ कि नहीं? अगेन रीजन, इंग्लिश कुछ मामलों में बहुत इलॉजिकल है, इन बेचारे जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया कोई आंसर नहीं, बट ऐसा ही लिखा जाएगा। क्लियर हुआ सबको? प्रोसेस क्लियर हुआ? सारी मछलियों या जैसे पिग, चलो पिग एक हाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसमें, क्योंकि पिग का हम लोग लिखते हैं पिग्स। तो हम लोगों ने सेंटेंस लिखा पिग इज ग्रंटिंग, जो पिग साउंड्स निकालता है ना उस साउंड को इंग्लिश में कहते हैं ग्रंटिंग, और पिग्स आर ग्रंटिंग। एक से अधिक अगर पिग्स हैं तो वो आर हो गया। अब आते हैं पिग का ही जो फीमेल होता है उसको कहते हैं स्वाइन, तो हमने लिखा स्वाइन इज ग्रंटिंग, स्वाइन्स आर ग्रंटिंग, भाई उसी का तो फीमेल है मतलब उसी की पत्नी है। नहीं, ये हो गया हमारा एरर, ये है एरर। स्वाइन इज ग्रंटिंग भी सही है और स्वाइन आर ग्रंटिंग भी सही है, ये दोनों सेम चलेगा। दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज, यानी आपके कुछ नाउन ऐसे हैं जिसमें स्पेलिंग प्लूरल होने पे चेंज नहीं होती है, वर्ब बदलेगा लेकिन एस ई एस यानी कुछ भी प्लूरल फॉर्मेट नहीं लगेगा। क्लियर हुआ सबको? प्रोसेस समझ में आया बच्चे? और ये वो शब्द हैं या वो जानवरों के नाम हैं जिन पे ये रूल अप्लाई किया जाएगा। देवेंद्र, सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा आई सपोज इन अ मंथ और वन एंड अ हाफ मंथ बाय द टाइम। देखो ये कंफर्म है, हम लोगों ने 50 दिन के अंदर पूरा एनडीए का जो आपसे ज़्यादा सिलेबस लेके चलते हैं कंप्लीट करवाया था, ठीक, रिवीजन भी करवाया था, पास्ट ईयर पेपर भी करवाया था। आपको लग रहा है कि सिर्फ वन आवर की क्लासेस से चलेगा, ऐसा नहीं है, महालाइव्स भी होंगे, एक साथ 6-6 घंटे भी पढ़ाई होगी, तो उसके लिए प्रिपेयर करिएगा अपने आप को भी और बाकी कर का ना, वो तो वील बी देयर। एनडीए का टाइम टेबल सरिता भी मिल जाएगा आपको, अभी थोड़ा यहाँ इन लोगों को ये पढ़ने दीजिए। वुड्स का मतलब फॉरेस्ट होता है, हाँ बच्चे, अरे थैंक यू सो मच ऋतिक। तो फटाफट देखिए सारे वो केसेस देख लीजिए जो आप लोगों को पता होने चाहिए अपने नाउन के। नाउन में सबसे पहली चीज होती है, इंपॉर्टेंट होती है कि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैसे डिसाइड करें। सिंपल सा एक काम करिए, अपनी ही एक फिंगर यूज करिए, वन और नाउन लिख सकते हैं बगल में कि नहीं, और उसके बाद में टू में हम क्या प्लूरल लिख पा रहे हैं, वन वाटर टू वाटर्स, कुछ सही नहीं साउंड किया ना, वन ग्लास ऑफ वाटर टू ग्लासेस ऑफ वाटर होता है, टू वाटर्स नहीं, तो वाटर क्या है अनकाउंटेबल। लेकिन अगर हमने कहा वन चेयर टू चेयर्स, वन टेबल टू टेबल्स, वन कैट टू कैट्स, वन गर्ल टू गर्ल्स, सही है, तो वो है काउंटेबल। दूसरी चीज अनकाउंटेबल कैसे दिखेगा कि भाई कोई ना कोई यूनिट दिखेगा ही, अब वो मैथ्स की यूनिट हो या कोई इनफॉर्मल यूनिट, यूनिट यूनिट होती। तो अगर हम बाजार से आटा दाल चावल लाते हैं तो केजी में लाते हैं, घर में कैसे केजी तोल रहे होते, नहीं, एक मुट्ठी निकाल लो, एक डिब्बा निकाल लो, एक कटोरी निकाल लो, वही कटोरी वही मुट्ठी वही डिब्बा होता है मेजरमेंट की यूनिट घरेलू तौर पे, तो वो नाउन होता है अनकाउंटेबल। जहाँ वो मुट्ठी डिब्बा ग्लास चम्मच कटोरी यूज हुआ अनकाउंटेबल है नाउन, ये कंफर्म हो गया। फिर आगे हम लोग नाउन्स वो वाले जो हमेशा सिंगुलर में ही लिखे जाते हैं, तो ये रहे वो नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर में लिखे जाते हैं। अगर इन नाउन्स में एस लग गया तो नाउन रॉन्ग है, पक्का रॉन्ग है, कुछ नहीं हो सकता, और इज लगता है, ठीक।
तो मशीनरी इज लगेजेस बैगेजेस, फर्नीचर्स लिखा गया रॉन्ग है, पोइट्रीज लिखा गया रॉन्ग है, सीनरीज लिखा गया रॉन्ग है। इसमें कभी ऐसा नहीं लगेगा, भले ही हम लिख रहे हों मैनी पोइट्रीज, मैनी पोइट्रीज नहीं लिखेंगे, मैनी पोइट्री ही लिखेंगे हम लोग हर हाल में, ठीक। और इसका रीजन अगेन वही कि इंग्लिश बहुत इलॉजिकल है, और कुछ शब्दों में जब एस लगा, इन केस अगर लगा, लग रहा है ये रहा, तो भैया उनकी मीनिंग तो मीनिंग छोड़िए, पार्ट ऑफ स्पीच ही बदल चुकी है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं नाउन उतरता है, ये तो वर्ब हो गया, दूर रहा है ये तो वर्ब हो गया, तो नाउन छोड़ के हम तो कुछ और पे चले गए, तो बात ही खत्म हो गई। फिर आते हैं हमारे वो शब्द जिनमें हमेशा एस ई एस लगेगा, यानी वो प्लूरल ही दिखाई देंगे। नाउन लुक्स प्लूरल, नाउन रिटन एज प्लूरल लुक्स प्लूरल, पर ऐसा है नहीं कि वो प्लूरल है। यहाँ पे देखिए सिंगुलर में चल रहा है, कुछ डिजीज के नाम, न्यूज जैसे शब्द जिसमें से एस हटाओ तो मीनिंग ही बदल रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच भी बदल रहा है। फिर ये वाले शब्द जिसमें ठीक है प्लूरल है पर उसमें भी एस ई एस हटाया मीनिंग बदल जाएगा, ठीक। और क्वेश्चन कहाँ से फंसता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जब आएगा, ये आपका पहला रूल सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का। अगर प्रेपोजिशन आ रहा है तो दो दिख रहे हैं यहाँ पे देखो, क्योंकि ट्रिक कहाँ से यूज होती है, ये आना चाहिए, ट्राउजर्स आर लिखा है ऊपर देखो, ट्राउजर्स आर, पैंट्स आर, स्पेक्टिकल्स आर, यहाँ हमने लिखा अ पेयर ऑफ, हमने इज लगा रखा है, क्यों, क्योंकि ये नहीं है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है प्रेपोजिशन से पहले वाला। अगर क्वेश्चन घुमाएंगे तो ये रूल आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट केस था जहाँ पे हमारे वो एनिमल्स हैं जो प्लूरल हो ही नहीं सकते हैं, ठीक। ये भी वैसे ही है फर्नीचर वगैरह वाली लिस्ट की तरह, लेकिन डिफरेंस क्या है, वहाँ सिर्फ इज लगता है, यहाँ आर भी लग जाता है, लेकिन इसको प्लूरल नहीं करेंगे, किसी भी हालत में नहीं करेंगे। अगर शीप्स लिखा है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स ठीक, फ्लॉक ऑफ काउज ठीक, क्यों, क्योंकि उसको प्लूरल ही लिखेंगे। यहाँ फ्लॉक ऑफ शीप्स नहीं होगा, शीप ही रहेगा, किसी भी वर्ड में प्लूरल के लिए एस ई एस नहीं लगेगा। यहाँ तक अब फटाफट ये बताइए, समझ में आया कि नहीं आया, चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं। यादव, आई के नॉट, यादव क्या नाम है, वेयर इज इट नाउ, यादव जेई सुमित, बच्चे क्वेश्चन आप भेजो। जसवंत, वेयर इज योर क्वेश्चन चाइल्ड, क्या भेजें ये बताओ, समझ आया, चलो चलो, थैंक यू सो मच गाइस सभी। शेख, दिस दीज आर द थिंग्स दैट एक्चुअली मोटिवेट्स अ टीचर। एग्जांपल पुलिस, पीपल, पब्लिक की स्पेलिंग विशाल करेक्ट कर लो। हाँ, अगर पर्सन केस को लेके चले तो ये वाले हमेशा प्लूरल रहेंगे, ठीक। हाँ बिल्कुल सही था, ओके। स्वाइन इज द फीमेल ऑफ अ पिग, ठीक है, स्वाइन का भी रूल वही चलेगा जैसे तुम्हारे इन बाकी केसेस का चल रहा है, ठीक, जैसे डियर का चल रहा है, जैसे शीप का। ये एक कंप्लीट लिस्ट है बेटा, ये उसी में स्क्रीनशॉट लेके रखो तो याद रहे, ये पूरा उसी है, तो सारा एक कंप्लीट लिस्ट में लिखा है ना। अरे लोकेश, तुम्हारा गुड आफ्टरनून, थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच, ओके। सो बिफोर वी क्लोज द सेशन, अच्छा वेजेस का हिंदी मीनिंग, पैसा, वेजेस इज द तनख्वाह दैट अ पर्सन गेट्स, डेली वेजेस, जो देखो इनकम वेजेस, इसका एक फिक्स रूल चलता है, वेजेस इज समथिंग विच इज अ सॉर्ट ऑफ एन इनकम, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज पेमेंट फॉर वर्क डन, इट इज ऑल्सो नोन एज रेम्यूनरेशन, सो
सो व्हेन यू वर्क फॉर समबडी, एक चीज़ होती है जब हम पेमेंट करते हैं, जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं, और एक पेमेंट क्या होती है, वर्क डन के लिए, कोई जब हम कार्य करते हैं और उसके एवज में हमें पैसा मिलता है, तो इट इज कॉल्ड एज दीज वर्ड्स आर यूज्ड. ठीक, वेजेस, इनकम, पेमेंट, रेम्यूनरेशन, सैलरी. ठीक, सैलरी वर्ड सबसे ज़्यादा आपने सुना होगा. अब इसमें इन टर्म्स ऑफ अगर हम नाउंस लेके चलते हैं या इंग्लिश, तो कोई डिफरेंस नहीं है. हाँ, इकोनॉमिकली इसमें डिफरेंस होता है. फाइनेंस सेक्टर वालों के लिए हर वर्ड का डिफरेंट मीनिंग होता है. तो देखो बच्चे, यहाँ हमें फाइनेंस का एग्ज़ाम नहीं देना है, हमें देना है अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम. तो हम उसी से रिलेटेड चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करेंगे. अब इनकम, देखो इनकम लिखा, लेकिन वेज ना लिख के मैंने यहाँ वेजेस लिखा है. ये यानी एक ऐसा नाउन है जो हमेशा एस के साथ ही लिखा जाएगा. Wages is not equal to labor. Abhishek, it is not labor exactly. You work and you get wages. Daily wages से याद रखना. जो मजदूर वगैरह होते हैं उनको मिलती है daily wages. ठीक है, तो it is in the result. ये कोई result थोड़ी हुआ. Okay. Now. क्लासेस के टाइमिंग का सिंपल सा है. अब आपका इंग्लिश का, ठीक, फिलहाल अभी इस वीक टाइम टेबल 11:30 से 12:30, 12:35, 40 जितना भी रहेगा इंग्लिश का रहेगा. सुबह 10 बजे एनडीए का मैथ्स का क्लास होगा. एनडीए की इंग्लिश और बाकी सब्जेक्ट्स अभी सेट होने दीजिए. एनडीए वाले तुम लोग क्यों इतना परेशान हो, मैं ये नहीं समझ में आ रहा. एक हफ्ता हुआ नहीं तुम्हारे एग्ज़ाम का, परेशान हो गया. अप्रैल में है भैया पेपर, 6 महीने हैं. इन लोगों का पेपर अभी है, CDS एंड XY ग्रुप का है अभी. तो वी आर, रिमेंबर, आपके भी टाइम पे हम लोगों ने फुल कंसंट्रेशन किस पे किया था, आप पे. तो इस टाइम इन बच्चों का पेपर अभी है, तो अभी हम लोगों की कोशिश ये है, आपके लिए भी करेंगे, बट बाकी जितना टीम का है, कहते ना पूरा फोकस फिलहाल कुछ दिन इनके ऊपर, इनका कोर्स थोड़ा कंप्लीट हो जाए. आपका टाइम टू टाइम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे और बाकी चीज़ें मिलती रहेंगी. तो ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, बट इनके ऊपर इसलिए अभी क्योंकि इनका बहुत पास है एग्ज़ाम, तो इनका कोर्स का कंप्लीशन होना कहीं ज़्यादा ज़रूरी है. और ऐसा नहीं कि आपको नहीं, भाई आपका तो जनवरी तक हर हाल में सिमटा देंगे, उसके बाद तो पूरा 3 महीने आपके पास आराम से बैठ कर रिविजन करना. इनका तो इतने ही से टाइम में सारा कुछ करना है. ठीक, तो थोड़ा सा समझिए. और जो होता है ना, बेसिक्स अगर एनडीए के नहीं क्लियर है तो वो ये पढ़ते रहिए, आपको भी कहते हैं ना नॉलेज तो मिलती ही रहेगी इंग्लिश की. इंग्लिश के बेसिक्स, चाहे आप एक IAS बनने वाले हो, चाहे आप NDA दे रहे हो, चाहे SSB हो, चाहे कहीं कुछ भी है, इंग्लिश का जो बेस होता है ना वो सेम होता है. इट इज़ एज गुड एज कि ABCD तो हर बच्चे ने सीखना है, तो ये भैया हर बच्चे ने सीखना है. ये नहीं कि NDA में कुछ और तरीके का होता है, बस इसमें कुछ चीज़ें एड ऑन होती हैं, वो वहाँ पे करवाई जाएंगी आपको. और आप लोगों का फिलहाल 11:30 पूरा रहेगा. एफओस का टाइम टेबल अलग है मिस्टर डोगरा. CDS वाले हम लोग अपलोड कर चुके हैं, एटलीस्ट 4 वीडियोस ऑलरेडी आ गए, स्टार्ट चेकिंग एंड आउट फ्रॉम देयर. FCAT वाले और एफओस वाले जितने बच्चे हो, FCAT वाले और CDS के जितने बच्चे हैं, ठीक, बेसिक्स अगर देख रहे हो तो आप बेशक यहाँ देखिए, लेकिन आपके अपने वीडियोस अलग से अपलोडेड हैं. CDS का पूरा पूरा चल रहा है, तो वहाँ आप देखते रहिएगा. बच्चे तुम्हें लग रहा है विपुल, ठीक है, ऐसा नहीं है. देखो हर एग्जाम, एक छोटे से बच्चे के लिए ABCD बहुत डिफिकल्ट होती है, नर्सरी वाले के लिए, और भाई जो जिस लेवल पे एग्ज़ाम दे रहा है उसके लिए वही एग्ज़ाम सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे डिफ़िकल्ट है. तो ये नहीं, एज अ टीचर नोबडी कैन से कि ये इजी है, ये डिफ़िकल्ट है. हर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है जब तक हमें नहीं आता, और हर एग्ज़ाम इजी है जब हमें वो आ जाता है. तो NDA वालों को आ चुका है तो उनके लिए आसान है. अरे भैया इन बच्चों से पूछो, उनके लिए डिफ़िकल्ट है. ठीक है, टेंशन मत लो, चिल, हाँ हम लोग पढ़ाएंगे. अच्छा भैया, तो इट्स नियरली 1, वी विल बी क्लोजिंग द सेशन एज ऑफ नाउ. ठीक है,
इतना करके आइएगा, कल एडवांस रूल्स हम लोग तब स्टार्ट करेंगे, पर इतना कंप्लीट होना चाहिए आपका। एंड मेक श्योर कि अपनी डायरी या जो भी चीज़ है वो मेंटेन करना स्टार्ट कर दो। सी यू ऑल एट द सेम टाइम, एट द सेम चैनल, एट द सेम प्लेस। कीप ऑन शेयरिंग एंड लाइकिंग आवर वीडियोस एंड मेक श्योर टू कीप दैट बॉन्ड फॉर एवर। थैंक यू सो मच। सी यू ऑल टुमारो एट 11:30।